बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आमिर शहजाद, अटक शहर पाकिस्तान से, और यहाँ पे अभी हम एक सेशन कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का। हारून भाई साथ हैं, इनको मैंने शुरुआत पे लगा दिया है। जैसे कि हमारा तरीकाकार यही है कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। हारून भाई के साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना सेशन की, अभी जो कर रहे हैं। मेरे पास अगर ऑफलाइन पड़ा होगा और बाद में मैं कोशिश करूँगा इसको अपलोड कर। तो लास्ट टाइम जो हमने सेशन किया था उसमें तो यह कि सिर्फ ये गूगल मीट चला के ना मीट का ये है कि इसके जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसका फ्री वर्जन है। इसमें एक इनकी पेड सर्विस है, उसमें ये है कि जो वीडियो इसमें सेशन चलता है उसकी वीडियो भी मिल जाती है आपको, तो इसमें ये सहूलत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लोकली इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो देखते हैं, अभी पहले से पहले रिकॉर्डिंग करके अपलोड नहीं किया है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। हारून भाई को बताया भी है कि हम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, तो जो सीखना चाहते हैं उनका काम ये है कि वो प्रॉब्लम्स लेके आएँ। तो प्रॉब्लम्स वो कैसे लेके आएंगे कि वो यही है कि वो रीड करेंगे, पढ़ेंगे मटेरियल, वो हम बताएंगे, कुछ चीज़ें आपसे हो जाएंगी और कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो जो चीज़ें नहीं हो पाएंगी वो हम मिल के उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो जो नया बंदा कोई भी सीखने शुरू करता है तो वो ज़रूर कुछ चीज़ों पे स्टक हो जाता है, रुक जाता है, फिर उसको ज़रूरत होती है पुश की। तो उसमें यह है कि हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हल पेश करें। तो अगर ये कि आप रीडिंग करके आते हैं और आपको कोई मसला नहीं है, उन भाई ठीक है, ऐसे भी होता है कभी कभी आप रीडिंग करके आते हैं कोई मसला नहीं होता, तो फिर हम दूसरा काम करते हैं, फिर हम मसले बनाते हैं आपके लिए। आप मसले नहीं ये कहेंगे ना, फिर हम आपके लिए मसला बनाएंगे जानबूझ के, या ये कि क्वेश्चंस करेंगे आपसे जो आपने चीज़ें की हैं, जो हमें लगता है कि उसमें अहम चीज़ें हैं। कुछ होती हैं चीज़ें ना, ज़्यादा चीज़ें आपके ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ पढ़ने की होती हैं, आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें अहम होती हैं, तो उन चीज़ों के मुतालिक हम आपसे सवाल पूछते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं। तो फिर यह उसमें डबल चेक भी हो जाता है कि जो आपने पढ़ा है आपको मसला नहीं है, तो मसले फिर हम इस तरह बना लेते हैं और डबल चेक हो जाता है कि वाकई जो आपने पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है। फिर ये है कि इस तरह जब आपका थोड़ा सा हाथ बैठ जाएगा ना चीज़ों पे मतलब, शुरू हम ये HTML से करते हैं, फिर CSS, फिर JavaScript, फिर PHP। बल्कि यहाँ पर मैं भी अपने पास खोल लेता हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। ये साइट है w3schools.com, इसको हम फॉलो करेंगे। तो इसमें हम शुरू करेंगे HTML से। तो यहाँ पे आप देखें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि CSS बाद में हमने करनी है, फिर JavaScript और फिर PHP। और PHP के दौरान ही हमें ये SQL की भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मेरा ख्याल है आप तो व्हाट्सअप आ गए हैं। आ जाएं।
तो इधर ही बैठेंगे, जो पहले आएगा वो इधर बैठेगा, लेकिन उधर फिर हवा नहीं लगेगी। इसको मैं चला देता हूँ, फिर नहीं पंखा नहीं चला तो ये वाला आपको इतना फटा है। चले सही है, अभी हमें ऑनलाइन तो ज्वाइन नहीं किया। एक स्टूडेंट हैं फीमेल, उन्होंने कहा है कि वो तकरीबन 4 बजे यानी आधे घंटे बाद ज्वाइन करेंगे। उनको मैंने यह कि लास्ट टाइम काम बता दिया था, तो उम्मीद है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। इसमें ऐसा है ना कि आप एक दफ़ा तो गो थ्रू करें ना, ये आपके पास शुरू वाला एक पेज है, ठीक है। मैं ऐसे में यही ओपन कर लेता हूँ ना, क्योंकि साथ साथ ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना उसमें भी ये नोटिस में आ जाएगा। अच्छा, ये भी आप पहले पेज पे है ना, ये वाला। अच्छा, इसका एक काम तो ये करें, एक दफ़ा फुल आप गो थ्रू कर लें, रीड कर लें, सिर्फ समझ आती है नहीं आती है इसको फुल एक दफ़ा रीडिंग कर लें पेज की, ठीक है। जब ये काम हो जाए ना, ये काम हो जाए, अगर आपकी ये रिकॉर्डिंग आए तो इसमें मसला तो नहीं होगा। रिकॉर्डिंग में अगर आए चेहरा मसला तो नहीं होगा। अच्छा, तो नहीं, मेरी तो आएगी आएगी ना, लेकिन मैं करूँ हाँ, ना आए तो बेहतर है। पूछ लो आपसे, आपकी इजाज़त होगी तब आएगा। नहीं, उसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा चले, मैं सब इस तरफ बोल रहा था ना, तो वो होना ये था कि हम दोनों ही आ जाएंगे ना उसमें, क्योंकि एक एक इसमें है कि लाइव सेशन ये चल रहा है, इसमें ये कि जो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ना उनको ये वाली वीडियो नज़र आ रही है और ये वाली स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी जो ये रिकॉर्डिंग जहाँ पर हो रही है ना लोकली, इसमें तो ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो ही, यानी अब यहाँ पर हैं तो उनको अब जो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो गूगल मीट पे जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ उनको मेरी कैमरे की नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि प्रेजेंट की, अगर ये हम कर देना ऑन फिर उनको भी ये स्क्रीन पे जो हो रहा है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो वैसे मेरे ख्याल में यही कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ल दिखाने से तो फ़ायदा नहीं होगा। इंटायर स्क्रीन में कर देता हूँ, रीसेट वगैरह किया आपने जो आते भाई, रीसेट किया आपने? रीसेट अच्छा, आप उस तरफ ज़्यादा हो गया ना, आप माउस उस तरफ कर लेना, आप खुद इस तरफ आओ। नहीं नहीं ठीक नहीं, बराबर ही है, वो ज़्यादा तेज़ नहीं है। अच्छा जी, इसकी वीडियो इसकी बंद कर दूँ,
होगी। अब प्रेजेंट नाउ पे किया और एंटायर स्क्रीन कर दी, और यहाँ से फिर मैं कैमरा भी ऑन कर देता हूँ ताकि पता भी लगता रहे जिसको ऑलवेज ऑन टॉप और ऑलवेज ऑन विजिबल। अच्छा इसमें ये है ना कि मैं अगर मूव करता हूँ मेरे पास वर्क स्पेसेस है यहाँ पर, तो मैं जो आमतौर पे काम करता हूँ वो 9 वर्क स्पेसेस के साथ करता हूँ। ये मेरा जो रूटीन वर्क है वो ऐसे है। तो वर्क स्पेसेस आप ये समझें कि डेस्कटॉप जिस तरह है वो वही है, जिस तरह ये डेस्कटॉप है बहुत सारे। तो इसका फ़ायदा यही है कि काम जब आप कर रहे होते हैं ना ज़्यादा आपकी चीज़ें होती हैं, बजाय इसके आप माउस के साथ नीचे स्टेटस बार आपकी जो है टास्क बार है उस पर एप्लीकेशन जो चल रही होती हैं वो आ रही होती हैं, बजाय इसके आप वहाँ पे बारी बारी क्लिक करें स्विचेस करता है ना, मतलब वो मुश्किल हो जाती है। या फिर ये एक शॉर्टकट है ऑल टू टैब को प्रेस करें ना, ये शॉर्टकट है स्विच करने के लिए। जैसे अभी ये दो चीज़ें चल रही हैं, ये मैंने ऑल टू टैब किया, देखिए ये बता रहा है ये चीज़ें चल रही हैं जो जो, ठीक है। तो ये फिर हम स्विच कर सकते हैं। और वर्क स्पेसिस का ये है कि मैं जो एप्लीकेशन चला रहा होता हूँ वो तकरीबन एक इस पर चला लेता हूँ, ये पहली वर्क स्पेस है, ठीक है। ये दूसरी है, अभी इसमें चीज़ें कोई ओपन नहीं हुई हैं अभी, पता नहीं लग रहा। तीसरी है, और आमतौर पर जो है मैं मुझे ये 6 जो वर्क स्पेसिस है ना इन पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा ब्राउज़र होता है इस वर्क स्पेस में, यहाँ पर मेरा कोड चल रहा होता है, यहाँ पर एक वो फाइल सर्वर FTP सर्वर होता है, FTP क्लाइंट होता है वो चल रहा होता है सर्वर पे, फाइल्स मूव करने के लिए यहाँ पे आमतौर पर मैंने ये फोल्डर मैनेजर, ये फाइल मैनेजर खोला होता है, यहाँ पे मेरी चैटिंग चल रही होती है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ। यहाँ पे अक्सर मैंने टेक्स्ट फाइलें खोली होती हैं कुछ, मैंने ये किया होता है ना मैसेजेस, बजाय इसके कि मैं सारे मैसेजेस टाइप करूँ कुछ मैंने टाइप करके पहले से रखे होते हैं वो यहाँ पर रखता हूँ। तो ये तकरीबन 6 जो है ना वर्क स्पेसिस, ये मेरी ये देखिए स्विच करना इस तरह ज़्यादा आसान है, या इसके कि मैंने 6 एप्लीकेशन खोली हुई और मैं ऑल टैप करके या नीचे माउस के साथ क्लिक करके कर रहा हूँ। आपका हाथ पहले जो कोडिंग करते हैं ना तो उनका हाथ पहले कीबोर्ड के ऊपर ज़्यादा होता है, तो ये स्विच करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। एक ये कंट्रोल ऑल्ट और फिर ये एरोज़ हैं, इनके साथ मैं स्विच कर रहा हूँ। तो ये जो सिचुएशन है मेरे लिए बहुत अच्छी है या आसान है। फिर आपने ये करना है ना कि जो जिस तरह भी आपको ये एक दफ़ा रीड कर लेना है इसको, तो आप फिर ट्राई इट योर सेल्फ पर क्लिक करें, क्योंकि अभी तो ये आपको शुरू में ना थोड़ा सा उसका आपको झलक दिखा रहा है, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको क्या हो रहा है समझ रहे हैं। झलक दिखाने से ये फ़ायदा हो रहा है आपको कि पता लग रहा है ये चीज़ कर रही क्या है, यानी ये लिखेंगे अभी आप ये सोचे समझे बगैर कि इसका मतलब क्या है, आप इसकी देखिए आउटपुट ये आ रही है। तो यहाँ से देख के आपको एक चीज़ पता लग रही है, जो ये वाला टेक्स्ट है ये कहाँ से आ रहा है, तो ये इधर से आ रहा है। तो ये H1 और /H1 और साथ ये ब्रैकेट्स लगी हुए हैं, मतलब इसकी कुछ अहमियत है इस तरह लिखने की। ये वो हेडिंग है ना, हेडिंग बार जी, यहाँ तक मतलब ये क्लोजिंग है स्लैश के साथ जी। अगर ये नीचे पैराग्राफ अगर H1 की जगह की कर देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। ऐसी ऐसी तो बाकी ये टैग्स हैं, हर टैग का कुछ ना कुछ मकसद और मतलब है, ठीक है। अभी ये सिंपल प्लेन टैग्स हैं, प्लेन टैग्स में इसलिए कह रहा हूँ कि इनके अंदर और कुछ नहीं लिखा हुआ, वरना इनके अंदर और भी कुछ आ सकता है। तो ये आप एक दफ़ा रन करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करें, खुद जानबूझ के इसको कुछ ना कुछ लिखें इधर, ताकि आपको फ़र्क जो है ना वो पता लगे। तो जो पेज टाइटल है ना ये हमें नज़र नहीं आएगा शायद, क्योंकि ऊपर इसका अपना ये चीज़ हुई है तब, इसको मैं यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ, क्योंकि रन रन पे क्लिक करना है। तो ये चीज़ें मैं कर करके देखनी है, ठीक है। तो बाद में आप इसकी स्क्रीन का साइज़ छोटा बड़ा करें ना तब भी फ़र्क पड़ता है, अभी तो फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर। और अगर आपको ऐसे
तरतीब अच्छी नहीं लग रही तो आप ये वाली कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह करता है, लेकिन मुझे ये वाली तरतीब साइड बाई साइड ज़्यादा अच्छी लगती है, ये ज़्यादा आसान लगती है। बाकी इसमें ये इन्होंने थीम भी दी हुई है, अगर आपको भी ब्लैकिश टाइप का ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर इसी वाइट पे ही करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल्स वन बाई वन आप करें, ठीक है। फिर तो जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन इन्होंने लिखा है ना, इसको दोबारा री रीड करें, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स ये चला के चेक करेंगे ना तो आपको थोड़े से आपका नॉलेज ऊपर होगा लेवल, तो फिर आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है दोबारा। बाकी एक दफ़ा बस गो थ्रू कर लें आपको, यानी और आपकी अंडरस्टैंडिंग जितने आप समझ चुके हैं ना वो और बेहतर हो जाएगी। और वेब डेवलपमेंट की मज़े की बात ये है इसको सीखने की, जो फ्रंट एंड है स्पेशली उसकी, कि आपको और कोई टूल नहीं चाहिए, स्पेशल टूल आपको कोई भी नहीं चाहिए, उसको देखने के लिए आपको ब्राउज़र चाहिए। और ब्राउज़र तकरीबन सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल्स हैं, ब्राउज़र्स हैं, टैब हैं, सब में ब्राउज़र होता है, इंटरनेट ब्राउज़र। तो इसका मतलब ये कि ये जो तीन चीज़ें HTML CSS JavaScript, ये तीनों चीज़ें, इनके लिए आपको कोई स्पेशल टूल ज़रूरत नहीं है। एक आपको चाहिए ब्राउज़र देखने के लिए, इनको अगर आपने चेक करना है क्या हो रहा है काम, और दूसरी चीज़ है अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। तो कंप्यूटर के जो तीनों प्लेटफॉर्म हैं, विंडोज़, लिनक्स, मैक, लिनक्स, इनमें तो टेक्स्ट एडिटर होते ही होते हैं, एंड्रॉयड में नहीं होता। तो लेकिन आपको और सॉफ्टवेयर मिलते हैं, ऐप्स मिलती हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बता रहा हूँ कि जो ब्राउज़र आपका होता है ना वही HTML को रन करता है, HTML CSS JavaScript को रेंडर ये ब्राउज़र करता है। तो आपका जो देखें ये आपका लोकली इंस्टॉल है ना ब्राउज़र, तो यहाँ पे आप HTML फाइल रखें, उस पर डबल क्लिक करें, ब्राउज़र में खोलें तो आप इसको चला के चेक कर लें, यानी आप इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है इसको चलाने के लिए। लेकिन आमतौर पे हम वेबसाइट बनाते हैं उसको इंटरनेट के ऊपर ही रखते हैं ताकि बाकी दुनिया देख सके, क्योंकि बाकी दुनिया के तकरीबन सबके पास ब्राउज़र होता ही है। तो आपने लोकली डेवलपमेंट करनी है तो आपको फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत है, तो वो आपका लोकली यानी आपका जो लोकल कंप्यूटर है वही आर्जी तौर पर आप समझिए सर्वर के तौर पर काम कर रहा होता है। तो वैसे तो इंटरनेट पर सर्वर्स होते हैं। भाई आप पिछली दफ़ा नहीं आए, पिछले जुम्मे को आप नहीं आए, नहीं मैंने तो छुट्टी नहीं दी थी जी, क्या क्या बताया था, गूगल मीटिंग में भी आप नहीं आए ना, वही आपने मुझे बताया भी नहीं। आपके पास कोई फिर है प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ? अच्छा CSS आपका वो टेस्ट क्लियर कर दिया था, ठीक CSS का, जावास्क्रिप्ट ने तो और नहीं किया आपने? अच्छा लेकिन वो भी कंप्लीट कंप्लीट लेकिन नहीं हुई जावास्क्रिप्ट। अच्छा ज़्यादा काम आप देखेंगे ना आते भाई, ज़्यादा काम HTML CSS का है, जावास्क्रिप्ट की भी ज़रूरत पड़ती है लेकिन मखसूस कुछ जगहों पे। यानी ये तीन चीज़ें जो है ना ये तो मस्ट आप पहले हो जाती है ना, HTML CSS और PHP, बस जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं ना ये आपका एक वो कम्बिनेशन पूरा हो जाता है। लेकिन उस पर तो मैंने नहीं कहा आपसे बूटस्ट्रैप पे,
अच्छा सही है, फिर आपकी वो CSS पूरी हुई होगी तब मैंने कहा होगा। सही है टैग में, उनकी क्लासेस हमने दी हैं जो बूटस्ट्रैप की CSS है, तो आप उसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो आप अपनी क्लासेस लिखें। नहीं हमें नज़र आ सकती है ना, आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, हमें राइट साइड पे नज़र आ रही होती है उनकी क्लास के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, लिखी हुई है। आप उनकी जो CSS की फाइल है उसको खोल के भी देख सकते हैं ऊपर, क्योंकि आप ऐड करते हैं ना जब उनकी फाइल, उस फाइल को खोल के भी देख सकते हैं। भाई आप इधर आ जाए ना, क्योंकि इसको मैंने रोटेशन पे लगा दिया है, आप इधर आ जाए क्योंकि वो दूर उस तरह फिर वो नहीं हो रहा ना। लेकिन अभी मौसम ठीक है ना, इसको रोटेशन पे भी लगाया है तो नहीं इतना फर्क पड़ा ना। बहुत हजारों में जो होता है ना, जब पीछे जो नया घर बनाया उसके ऊपर हमने ये फोकस किया, हवा आप जब नहीं निकल रही है घर में, आप पीछे ये वाली ले लें। एग्जाम्पल तो नहीं थी ना इस पेज पे, इस पेज पे नहीं, मेरा ख्याल एक ही एग्जाम्पल है इसमें, इसमें एक। अच्छा इसमें यह नहीं, जब आप नीचे तक आते हैं ना इसके पेज के, तो यहाँ पे नेक्स्ट या ऊपर भी लिखा हुआ है नेक्स्ट, ऐसे आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं, ये नेक्स्ट करें नीचे जाके ना आप, हिस्ट्री लिखी हुई है ये लाजमी नहीं कि आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये इतनी उस तरह अहम चीज़ नहीं है। अब हमें क्या फ़ायदा है इसका कि ये 91 में क्या हुआ था, मतलब हुआ था हो गया, अब जो सामने है ठीक है, इसकी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर इस पर ये डेट्स वगैरह याद रखने की, मेरा कहने का मकसद था कि ये ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होगा ठीक है कोई 90s में हुआ था या 80s में हुआ था, बस सब हुआ था आपको पता होगे। अच्छा ये भी रीडिंग है, इसमें ज़्यादा काम रीडिंग है। आपको एक मसले की ज़रूरत पड़ेगी, मसला दरपेश आएगा कि घर में आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये लेसन आप कैसे करेंगे। तो इसका एक हल तो ये है कि ये जो W3 स्कूल है ना, इसके मैंने देखा है मोबाइल ऐप्स बनी हुई हैं जो ऑफलाइन आपको ये देखने देती हैं मोबाइल के ऊपर, आप मोबाइल के ऊपर उसको रीड करें और एग्जांपल्स जो हैं वो भी ट्राई करें। बाकी हाथ से कोड लिखें मैं आपको बताता हूँ फिर आगे कि हाथ से कोड किस तरह लिखना है, क्योंकि अभी तो उन्होंने एग्जांपल वाले ब्लॉक के अंदर खुद से लिखा हुआ है ना कोड, तो फ्रॉम स्क्रैच अगर आपने लिखना है W3 स्कूल को इस्तेमाल किए बगैर तो फिर वो कैसे करना है वो फिर आपसे मैं करता हूँ। अभी आप रीड करें और एक बार फुल रीड करें, फिर वन बाई वन एग्जाम्पल्स को देखें, एग्जाम्पल को देखने के बाद नीचे अगर उसकी डिस्क्रिप्शन है उसको फिर री रीड करें। थोड़ा सा काम ये बोरिंग है लेकिन ये आगे जाके इंटरेस्टिंग होता जाएगा। हाँ जी आते भाई,
मैं दोबारा यहाँ पे 5 साल में इसलिए ये है कि खुद से इसको ऐसे करना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं किया। उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि शहर को लगा के ना जो रूप चल रहा हो वो वैसे उसको इंक्रीमेंट भी खुद करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप रिकॉर्ड आप चाह रहे हैं कि इधर खुद इधर भी खुद 5 आया हो, पहले जो था ना लास्ट में उससे अगला ही आया। तो ये चाह रहा हूँ और दूसरी बार 12 नाम है भाई आपका। आपका ऑनलाइन भी है या अभी ये लोकली है आपका ये प्रोजेक्ट? अच्छा, आइंदा हम कोशिश करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो। उसमें ये होगा कि मैं यहीं पे ब्राउज़र में खोलूँगा, तो ये सेशन जो है ना ये अभी तो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन अगर और कोई लर्न किया हुआ है उसमें फिर आसानी होगी। मतलब अभी चलो ठीक है, अभी आज के लिए तो ठीक है। पर अभी मैंने आपके सामने 5 नंबर पर डाला, 2 नंबर आपने देखा है कि यहाँ पर ये 2 नंबर पे था, ये प्रू आ रहा है। यहाँ पे 2 में देता हूँ 22 आ गया था, ये प्रू है ठीक है। और 5 नंबर पे आगे ठीक है, लेकिन जो भी है ये था उसको उठा दी। अब केस ये आ रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो देता है ना, मैंने ये खुद दिया हुआ ये तो मैं चाहता हूँ कि इधर 5 वो खुद इधर तो दे रहा है। ये मैंने सर्च किया कि मैं यहाँ पर लिख के इंटर कर रहा हूँ, यहाँ लिख के इंटर करता हूँ तो वो उसको सर्च कर लेता है, तो वहाँ से क्लिक मैं कर यहाँ पे हो तो ये इसको यहाँ उठा रहा है ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। इसके साथ कर रहा लेकिन मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, आपने मुझे 2 मसले बताए। एक मसला बताया कि वहाँ पर जो रिकॉर्ड ID है वो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, यानी यहाँ पे वो एक ऐड हो उसके ऊपर। आप वो एक तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे वो रिकॉर्ड ID लिखी भी आनी चाहिए ठीक है। एक आप ये जो सबसे बड़ा काम था ना, ये मेरे से हैंडल नहीं होता था, ये वाला जेफ के अंदर काम करना मैं हैंडल नहीं होता था, समझ आती थी मतलब ठीक है टेम्प्रेरी। मतलब आई टुक 1 डे फॉर डेट फॉर दिस, क्योंकि मेरा जो CSS करने का मुझे कोई एडवांटेज नहीं था। मैं अप्लाई ना कर सकें नहीं, मुझे CSS का क्रेज नहीं था, आई एम नॉट क्रेज बाबू, मुझे आपने मना कर दिया। मैं इसकी ये फॉर्मेटिव किए ये कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, जब मुझे आ गई ना ये उसके बाद 10 मिनट का काम है हमारा जो आई है, लेकिन उससे पहले इतनी चीज़ करने के लिए आई ठीक है ऐसे मतलब मत टाइम। मतलब मैं बताने अपनी शर्ट ही है मेरी बट फजूल था, मुझे ज़्यादा होती ना मैं वो बहुत ज़्यादा मैंने खेला है, लेकिन अब ये फर्ज करें इंशाल्लाह मैं आपको पूरा मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट पर काम आप शुरू करेंगे आपको पूरा मौका, फिर आपको फ्री हैंड होगा उसमें, तो ये आपके ना खूबसूरती और ये चीज़ें चाहिए होती हैं। क्योंकि फ्रंट एंड आपका अगर कमज़ोर है ना लोग पसंद ही नहीं करेंगे ऐप इस्तेमाल करके। yes. क्योंकि यार क्या ये डल सी चीज़ें हैं, कलर्स नहीं हैं या इंटरेक्टिव नहीं है। अभी देखिए मतलब ये पासवर्ड मैंने ये खुद लगाया हुआ है, इस तरह जान बूझ के डबल डी के साथ क्यों लगाया हुआ था कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम भी आ रही थी। बताया जरा क्या मुझे नहीं उधर तो फ्रंट पर दिखाएँ क्या आप मुझे दिखा रहे थे इसका ये पासवर्ड मैंने डबल डी के साथ रखा हुआ ना, एक पासवर्ड लोकल होस्ट करें डबल उसमें सिंगल डी के साथ आता ना पासवर्ड, कि मैंने जान बूझ के अच्छा रखा हुआ अपने लिए कि मैंने क्यों डॉक्टर की किसी को बताना कभी अपने आप को बताना या ये चीज़ें गलती नहीं करी, डबल डी का क्या मकसद है ठीक है ना। बहरहाल ये अमर भी ये तो इस पर मैं लगा हुआ कि यार ये मेरा काफ़ी बाकी फॉर्मेटिंग अभी मेरा इसको भी छोटा कर सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर डेव लगा के जैसे देखें ये सेंटर में है उसके हाँ ये अच्छा लगा, लेकिन ये पहले ये इधर था इतना बड़ा था, पहले इतना बड़ा आ रहा था करते करते मैं मुझे समझ आई जब कभी समझ आई मैं कहूँ वाह यार तो मज़ा आता। देखो मार्जिन का हमने पिछली दफ़ा भी बताया था ना, मार्जिन आप वो 0 ऑटो करें तो और विट दें तो सेंटर में ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। फिर आपने काफ़ी बताया और डिप के ऊपर काम किया था ना, डिप के आपके बताने के बावजूद भी मुझसे बड़ा देखें जैसे ये इस पर अभी थोड़ा सा मैं इसको स्पेस देता हूँ तो फर्स्ट नेम से थोड़ा आगे हो जाए, देखें ये थोड़ा सा आगे मुझे स्पेस चाहिए फर्स्ट नेम के साथ थोड़ी फॉर्मेटिंग भी नहीं पड़ता जैसे स्पेस दूंगा ये इधर हो जाएगा लाइन हो जाएगी सही है। अच्छा अभी ये कि मैंने आपके सामने इंटर किया ऐड हुआ, अब सर्च कर रहा हूँ तो मेरा भी ध्यान तक पहुँचा ना कि जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ मुझे कम से कम जितना हो। बाकी मैंने बूटस्ट्रैप आपकी बात है ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बूटस्ट्रैप का काम किया है वो भी आपको चेक करा। चले फिर ID के जो कह रहे हैं आप उसके उसका हल निकालते हैं, वो कार्ड ID ऑटोमेटिकली आए यहाँ में शो हो रहा हो
सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर होता है वो आईडी, जब पूरा ट्रांजेक्शन आईडी कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी नहीं मेरी, तो ये इस समय जो भी आईडी होगी इससे पीछे मैं नहीं जा सकता। अभी अगर मैं यूँ करता हूँ ना, ये कोई ये कोई हल नहीं है, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। ये बढ़ाना है हालांकि बढ़ा तो ये रहा है, लेकिन ये आपकी वैल्यू यहाँ पर ये जनरेट कर रहा हो, लास्ट वैल्यू मुझे यहाँ बता रहा। इसका फिर ये ना कि हम चलिए, आप मुझे पहले बता देना मसले को सी एस का मुझे दिखाना चाह रहे हैं। हिम्मत हार गया था मैं कि ये बैठी हालत में ले जाएंगे, ये मुझे सीधा करके बताएं कि मैं यहाँ करता हूँ, मुझे बताएं क्या करना है। वो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि जो यूजल मेरा स्ट्रोक ऐसा हुआ था दो दिन से, तो मुझे शॉप इस तरह था ठीक है, तो रूटीन होती थी अभी तो मैं चपटा खरीदा था, चपटा आती हो गई है, पता होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, उसमें उसको मेरा कुछ काम करने लगे, मैं घबराहट इतनी हो गई। शीन माने हमें भाई वो सारा काम कठी हुआ, ये भी इकट्ठा हुआ, ये भी शोरों भी इकट्ठा होगा, मैं जान छोड़ी बड़े। ये मैं आज का असाइनमेंट ये थी कि मुझे अंदर के लागत हैं, अब मुझे ये खूबसूरत ये जो बनी हुई ये मेरे कंट्रोल में है, मुझे पता है कि क्या कर सकता हूँ। मैंने क्यों येलो कलर यूज़ किया, ये भी आप मुझसे पूछें वाई यूज़ येलो कलर टू अट्रैक्टिव, यानी ये मैंने कुछ डिज़ाइनिंग भी नहीं की, सिंपल सा, लेकिन उसके बैकग्राउंड पर कलर आपके बैकग्राउंड कलर मैंने पीछे लोगो लगाया रखा था पीछे, तो सिंपल अच्छा लग रहा है। ये मैं इसको अच्छा अगर भी अगला क्वेश्चन सॉरी मैं रेट में था, एक ये था एक ये चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं सर्च करता हूँ, अब ये मोर देन जैसे फाइव है ना, मैं तो आमिर को सर्च करना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, ई मेल को आमिर को फिल्टर, ये मतलब जितने फील्ड है उतने फिल्टर बना, जैसे आप देखें ना ये वट मोबाइल आप वेबसाइट पे जाते हैं क्योंकि एडवांस सर्च में जाएँ फिल्टर क्योंकि बड़े मज़े के लगे हुए हैं ना, वट मोबाइल एडवांस फिल्टर इस्तेमाल किए आपने। एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ, मोबाइल में अगर आप आए ना इस पर वीडियो में आएंगे, मसला तो नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग साथ हो रही है, कोई बात नहीं। ये अच्छा लाइव भी है सेशन, ये इधर अभी तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया किसी ने, इधर अगर करेगा तो उसको ये लाइव नज़र भी आएगा। और अच्छा इसमें जो मुझे चीज़ इनकी अच्छी लगी है ना, इसमें जैसे अब मैंने मोबाइल लेना है 20,000 की रेंज में बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ कि उसमें 4 GB रैम हो, इतनी बैटरी हो, 5000 mAh हो, मतलब इस तरह जो भी फिल्टर हो, आप एडवांस सर्च में आए ना, देखिए ये भी ऊपर है ना, देखिए PHP लिखा हुआ है, यानी PHP में काम किया हुआ है, तो हम भी कर सकते हैं ये, देखिए पूरा पेज ही ये फिल्टर है बेसिकली, ये इतनी जड़ी में डाटा बेस में उन्होंने रिकॉर्ड्स सेव किए हुए हैं, जितनी फील्ड्स हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है उन्होंने सब कुछ कर दिया। एक तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो, ठीक है, मतलब वैसे तो अभी सर्च करेंगे ना तो सब कहा जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं नहीं मुझे सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन ही नज़र आए या मुझे सिर्फ iOS नज़र आए, तो ये आप फिल्टर है ना कर सकते हैं, तो फिर प्रोसेसर कितने हों, कोर्स कितनी हो, यानी एक एक फील्ड के ऊपर आप समझे उन्होंने फिल्टर लगा दिया, और ये बड़ा अच्छा है। और आप एक दफ़ा सर्च कर भी लेना फिर आप उसको मज़ीद छोटा कर सकते, देखिए अभी डायरेक्टली ये बता रहा है इतने वो शो कर रहा है, तो मैं इसको ब्रांड तो नहीं दिखा जाता हूँ, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा था, हाँ ये ऑप्शन, मतलब मैं अपने आप को कस्टमाइज कर रहा हूँ इसको, मैं कहता हूँ कम से कम 4G होगा, लेकिन इधर 5G मोबाइल आए हुए हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है ब्रांड, मतलब आपकी अगर ये प्रेफरेंस है, अभी मैं ब्रांड नहीं मैं चेक करता, अगर मैंने करना होता ना मैं ये एक करता कि अवेलेबल हो कमिंग सून वाले मुझे ना दिखाए, ठीक है, देखिए ऊपर साइज कम होता जा रहा है, उसी वक्त ये क्यूरी कर रहा है, कोर्स वोर्स भी चले वो रैम, लेकिन मैं मिनिमम मेंशन करता हूँ कि 4 GB हो, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं, या ज़्यादा की भी लिमिट कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर एक जगह पर मेरे ख्याल है ऊपर या नीचे किसी का ना प्राइस मेंशन कर सकते हैं, इसलिए मैं इस पर कह देता हूँ कि जैसे मैं बात कर रहा था कि 20,000 से ऊपर ना हो, और हर बंदे की पॉकेट है उसको अंदाज़ा होता है कितने में उसको चाहिए, तो ये बड़े अच्छे देखिए 6 रिजल्ट्स आ गए। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यह मुझे रिजल्ट दिखा देगा,
अच्छा कहाँ पे वो 3,000 समथिंग वो बता रहा था। फिर इनके अपने अपने पेज बने हुए हैं, कोई देखिए रॉकेट्स नहीं, ये लिंक नज़र आ रहा है, सिर्फ पेजेस हैं, अल्लाह ऐसा था। तो इस तरह के फिल्टर्स हमें चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि अब एक साइड बड़ी स्टैटिक सी होगी, फिल्टर्स नहीं होंगे उसमें, तो मुझे पसंद ही नहीं आएगी यार, उसमें फ़ायदा क्या है, खुद से ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे हमारा बार कोड हम काम करते हैं ना, काम नहीं करते तो हमारा सामने आ जाता है, कि एंटर किया जी बार कोड लगा तो सारा कुछ सामने फील्ड सामने आ गया। जैसे नहीं होता स्कैनिंग, हम लोग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ देते हैं तो मतलब यहाँ से आप अच्छा ठीक है चले, इन दोनों चीज़ों पे काम करते हैं। पहले मैं उसको रिकॉर्ड आईडी जो है ना, वो कहते हैं ना आप आ जाए उसमें, एक तो ये कि जो एसक्यूएल आपने पढ़ी है उसमें एक एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस, तो अभी तो ये जेनेरिक से हम थोड़ी सी मैं देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वहाँ पर आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मतलब अगर आप चाहें कि आप एक कंप्यूटर देख सकें तो आप उसको रोक सकते हैं स्ट्रीमिंग, तो मतलब क्या चीज़ ना देखें, ये स्ट्रीमिंग आप रोक देते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि कोई देखना ना चाहे स्टूडेंट, ये स्क्रीन ना देखना चाहे, स्क्रीन आपकी है आप नहीं, पर... नहीं वो तो है, वो तो मैंने खुद अभी इनेबल किया ना इसको, तो मैं चाह रहा हूँ कि देखें वरना तो यहीं पर मैं आपको है ना लाइट दिया, मतलब सिर्फ कैमरा ऑन कर दूँ, मतलब ये स्क्रीन शेयरिंग ना हो सकता है। ये कि मैंने इसकी वीडियो ऑफ कर दी थी ना, वीडियो ये मैंने अलग से यहाँ पे शो कर दिया, क्योंकि होता ही है कि बाद बात आपके बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन देख के स्टूडेंट को सीखने वाला जो उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो ये पाइथन भी क्या कर लिया, इंस्टॉल किया है अच्छा, ये पाइथन वाले ये अरुण भाई भी बैठे हैं इधर, ये भी कर रहे हैं आप मिलाए, ओ हाँ हाथ में तो मना किया हुआ है, बस दो ही चीज़ें मना किया हमने, फिर भी चले अभी हम को मिले रहे, वैसे सलाम हो गई पाइथन को इतनी मुश्किल नहीं थी, बाकी वो मशीन लेवल पर जाके गेम्स के ऊपर जाके थोड़ा सा, लेकिन बेसिक मैंने बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेज है ना उसमें ये पाइथन है, वो मैंने मेरे ख्याल है अभी मैं कल परसों देख रहा था, एक पढ़ रहा था ना IEEE की कोई रैंकिंग थी ना, उसमें मेरे ख्याल है टॉप पे काफ़ी उसकी डिमांड थी, वो बता रहे थे उसमें, मैंने उसको काफ़ी ख़त्म करी हुई काम किया उसके, फिर मैंने देखा यार अब ये हो गया, वो आप अभी बात कर रहे थे इतना आप करें, वो बंदा कहे तो समझ आई कि कौन सी डिमांड में बात कर रहा है, ये कर गया ये आपकी एक शुरू की बात थी। वो ये इन डेप्थ आपको ना हिस्ट्री, जैसे मैं उनसे कह रहा था कि हिस्ट्री आप डेट्स याद रखने की, यार आप वो डिटेल में चले गए, नहीं करना आपने वो, अब और नहीं किया करें, आपको समझ आ रही थी क्यों आप करते रहते हैं, अब आप उनको सेव भी नहीं किया मैंने, करके ख़त्म कर दिए। अच्छा इसमें आप देखें ना, ये एक थ्योरी है, प्राइस का एक कॉलम है, ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि उस प्रोडक्ट को निकालो जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है, उस प्रोडक्ट को निकालो जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है। अगर हम पहले इसको प्रोडक्ट्स के टेबल को देख लें ना, देखिए ये प्राइसेस आ रही हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया, ये फंक्शन यूज़ किया है, क्यूरी लगाई है, ठीक है, आ ना, लेकिन आपने देख लिया ना प्रोडक्ट्स का, तो खान ये भी आपसे नेर होता है स्कूल में जाए तो फॉर्म दे, हाँ लेकिन ये क्यों थोड़ी सी डिफरेंट है ना, इसमें देखिए मैक्स का फंक्शन यूज़ किया हमने, तो इसने क्या किया है कि उसके अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू थी वो आ गई। अभी टेबल का स्ट्रक्चर अगर हमारे सामने होना, मैं इसको एक नई टैब में खो लेता हूँ, हम अगर चाहते हैं उसकी आईडी मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं ना, मैं इसको एक और टैब में खोल लेता हूँ ताकि ये स्ट्रक्चर मेरे पास अलग से आ रहा हो, जैसे प्रोडक्ट आईडी है तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको सिर्फ आईडी कर, वो
77 है और इसको हम स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब है अगली आईडी अगर हम रिकॉर्ड सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक प्लस हो जाएगी, लेकिन कभी कभी फ़र्क भी आ जाता है, वो ऐसे आ जाता है आपने ट्रांजेक्शन चलाई है लेकिन कुछ एरर आया, कोई इशू आया, वो आईडी स्किप हो जाती है। तो ये वाली आप कहना इससे एक्सपेक्टेड है कि अगली आईडी 78 होगी, एक्सपेक्टेड है, श्योर नहीं है, तो आप वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं एक्सपेक्टेड आईडी ये है। और जब रिकॉर्ड सेव हो जाएगा फिर वो श्योरिटी मिल जाएगी हमें कि क्या उसको मिली है। और ये आप डेटाबेस में देखें ना, आपने मैं तो लोकल अपने लोकल पर दिखाता हूँ ना, वो एचआर की सेशन रिकॉर्ड भी हो जाए, रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। अब देखिए इसमें वेब डेवलपमेंट की मज़े की बात यह है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, ये अहमियत नहीं रखता है। मतलब आपने एक चीज़ बना के इंटरनेट पे रख दी है, उसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन मोबाइल टैबलेट्स, वो तो ब्राउज़र चाहिए आपको सिर्फ। अच्छा, इसमें मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा था, चलिए मैं इसी में चला जाता हूँ, इसमें ब्रांड्स में चला जाता हूँ। अच्छा देखिए, ये कुछ रिकॉर्ड बने हुए हैं, ठीक है, सॉरी इसकी सीधी दिखा रहा हूँ, नहीं बल्कि इसकी आई डी इधर है, ठीक है 6-7। अभी हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं नेक्स्ट आई डी जो है वो 7 होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाएँ इसके क्या कह रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट 7 बता रहा है, तो उसको देख के भी हमें पता लग रहा है कि क्या होगा, 7 ही आनी चाहिए। तो अब मैंने वैसे इस पे काम नहीं किया, लेकिन ये शायद हम क्यूरी करके निकाल भी सकते हैं कि नेक्स्ट ये वाले जो वैल्यू है ना, इसको हम शायद निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे काम नहीं किया। लेकिन चलिए अगर हम अगर सिंपली अगर उसी पे काम करें कि मैक्स निकाल के प्लस 1 कर दें, तो आपकी एक आईडी एक्सपेक्टेड आईडी है वो हो सकती है। तो अगर मैंने यही काम इसका करना है, अभी निकालना है, तो आपको मैं लाइव ये चला के दिखाता हूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है ना मैक्स का फंक्शन, तो ये आपने एक और क्यूरी लगानी है वहाँ पर और उसका रिज़ल्ट किसी वेरिएबल में सेव करवाना है, और उस वेरिएबल को फिर आपने वहाँ पर एको करवाना होगा वहाँ पे जहाँ पे आईडी आपकी आ रही है ना, और उसको डिम किया हो वो एडिटेबल ना हो। अच्छा, इसमें सेलेक्ट की क्यूरी हम लगाते हैं, मैक्स की जगह हम लगा देते हैं आईडी, ये मैक्स का फंक्शन इसके साथ लगा देते हैं, और यहाँ पे हम उसको एज भी मार कर देते हैं मैक्स आईडी। और इसमें प्लस हम वन करेंगे तो 7। तो ये हम क्यूरी रन करेंगे जिस तरह आपने बाकी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये आपका रिजल्ट जो है ये आप किसी वेरिएबल में सेव करवा लें। अपन मैं पेज लेके आए दिखाएं ज़रा, फ्रंट जो था आपका दूसरे का, हाँ यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी आप इसको एक तो ये कि इसको डिसेबल रखें, ठीक है, और यहाँ पर वो एको करवा लें जिस तरह हम HTML और PHP का कोड मिक्स करते हैं ना, ठीक है, ये आपको हिंट मिल गया आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके यहाँ बता ही दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद कोड खुद करें, क्योंकि इसमें बंदे को ना एक हिम्मत मिलती है कि मैंने खुद किया है, बात बहुत मुश्किल भी होती है, बात चीज़ें समझ आ जाती हैं आराम से, लेकिन करते हुए मसला आता है। तो इसमें ये होगा कि आप करेंगे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बता रहे हैं वो हमें बता देगा, अभी इसमें ये जैसे आपने कहा मैक्स वैल्यू ये कर रहा है उसमें बता रही, बल अभी तुम्हें यहाँ पहुँचा था अभी इसको ये खुद कर दे, एक ये था और एक ये था, ये रिस्पॉन्सिव मैं इसको बनाना चाह रहा था, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, ये कर रहा हूँ तो ये इस तरह हो रहा है, तो कैसे हो क्या होना चाहिए ये, उसको छोटा हो जाना चाहिए पूरे को छोटा हो जाना, कैसे ये तस्वीर ये भी कहा छोटी होती है, अब छोटी होनी नहीं है करें ज़रा। अच्छा, आप ये चीज़ कह रहे हैं छोटी हो जाए विड्थ, तो विड्थ फिर आप परसेंटेज में दें, परसेंटेज में नहीं दी हुई आपने विड्थ,
कि मैं ऐसे रिस्पॉन्सिव पेज नहीं किया और बने बनाए चीज़ें और इसको बूटस्ट्रैप है ही नहीं, बूटस्ट्रैप नहीं, ना 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हम इस पर ज़्यादा मुझे जो बताया था ना तो वो मेरे लिए फ़ायदा हो गया था कि बूटस्ट्रैप आप स्किल्स वीक करता है और मुझे मज़ा ही नहीं आया। अब मुझे मज़ा नहीं आया उसकी वजह मज़ा ये है कि मैं जल्दी काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, अगर नहीं करना तो अपनी मर्ज़ी के बना के रखेंगे, मेरी अपनी CSS पढ़ी हो अपनी जाती और इस तरह बूटस्ट्रैप ने भी यही किया ना, उन्होंने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाली हैं, क्लासेस बना के रख दी हैं और ये ट्विटर निकाली थी, ट्विटर बूटस्ट्रैप इसका नाम था, ट्विटर बूटस्ट्रैप, ट्विटर ने अपने लिए बनाई थी लेकिन बाद में पब्लिक भी यूज़ करनी शुरू। ये फिर आमिर भाई इस तरह है कि आप इसको फिर जैसे अच्छा आमिर भाई एक और चीज़ थी, ये जो चीज़ें मैंने इसको नीचे करना चाह रहा था ना, इसको M3 करके या -3 करके इसको नीचे लेके आता है मार्जिन देता हुआ, मैं तो बूटस्ट्रैप में करते हैं वो वैसे भी CSS के स्टाइल आल हो तो मैं अगर वो काम करता ना स्टाइल तो मैंने ऐड तो किया हुआ ना CSS ये उसमें तो पैडिंग और मार्जिन को देना पड़ता है ना। अब मैंने इसको आमिर भाई ये किया ना कि ये इसको जितना बढ़ाता हूँ ना यार एक और मेरे पर जैसे मैं एक्सेल इसमें काम करता हूँ ना, ये देखिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों से मैं ये काम की चीज़ें क्योंकि मैंने अभी एंड्रॉयड को भी बढ़ा रखा था, एंड्रॉयड वाला काम भी शुरू किया जो लेटेस्ट है वो चीज़ें का बैठे में बड़े दिन नहीं कर रहा हूँ। ये देखें लेट्स सपोज के मैंने कोई भी चीज़ लिखी है और जिसके नीचे मैंने ये जोड़ी है मैं चाहता हूँ कि इसको इसको बड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है ना इसको फ्रंट करके ये वो सारे वर्ड है इस तरह के मार्जिन इसके इसके अंदर भी मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो आ रहा था ना सेटिंग नहीं हो रही थी ये इसके मैं फॉन्ट साइज ही बढ़ा दूँगा, इसके अंदर फॉन्ट आया फॉन्ट साइज बढ़ा फॉन्ट साइज बढ़ाऊँगा तो ये सब मुझे देनी जरूरी थी क्योंकि मैंने उसमें कितने वैसे पैडिंग हम देते हैं ना इसी काम के लिए होती है पैडिंग, जैसे ये आप कह रहे हैं इसको और इसका डिस्टेंस फर्क आया ना ये पैडिंग किससे, ये तो पैडिंग से किया ना मैंने, ये सारा जितना कंट्रोल है ना ऊपर से ये वाला तो फिर रोज का क्या मसला आ रहा है, ये जो पैडिंग है ऊपर से नीचे की तरफ, अच्छा ये बॉर्डर बॉर्डर और इसकी जो अगर स्पेस करनी है वो मार्जिन के साथ होती है, ये मैंने पैडिंग के साथ की हुई है, ये देखें ये मैंने यहाँ से कंट्रोल, आप कोई बात करनी है ये फिर आप इतने बड़े झुकते हैं अपनी इतना सर इसमें हम भी एस्टिमेट नहीं करते कि आप इतने चैप्टर से करके आए मतलब आप पेस ज़्यादा करनी है अपनी आईडी, अच्छा
इसमें एक नेट पे आपको फिर स्पेस चाहिए रखने के लिए ना फाइल्स, कुछ फ्री सर्विसेज हैं कुछ परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि जो सीकर होते हैं उनके लिए फ्री वाली ही ज़्यादा बेहतर है, फालतू पैसे अगर अलग बात है। तो एक इसमें वेबसाइट है कौन है लिंक उसका, मैं अक्सर यही रिकमेंड करता हूँ, biz.nl शुरू में अल्फाबेट बी है, बेस डॉट जी जी बेस, वो बेस बिजनेस से एन एफ से पता क्या पड़ता है फर्क, एंटर इसके ऊपर आई डी बनाए आपके जो भी आपने टेक्स्ट फाइल बनाई है ना एक HTML फाइल उसको हम लाइव करते हैं, इस पर साइन अप करें सर्विस है ना वो इस्तेमाल करूँ ना, लेकिन वो तजर्बा हमारा नाकाम रहा क्योंकि जब हमने इसकी गूगल मीटिंग के साथ उसको ट्राई किया ना तो वो दोनों नहीं हुए। अच्छा ये अभी एक आवाज का मसला होगा, मेरे पास हेडफोन भी नहीं है मंदिर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा ऐसे है कि हमारे पास यहाँ पे ऑफलाइन भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और अभी आप ऑनलाइन भी हैं, ठीक है। और साथ में ये है मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ कि आपके इल्म में हो कि मैं साथ में ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ सेशन को, तो ये मेरा इरादा है कि मैं शायद इसको अपलोड भी करूँगा। तो आपने रीडिंग की थी? अच्छा फिर कोई इशूज़ हैं? कि मैं एक मिनट, इधर मेरे साथ एक हारून साहब हैं, उनको थोड़ा सा मैं ये बता रहा था कि साइट अपनी अगर वो HTML पेज लाइव बनाना चाहें तो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा इसमें एक ये biz.nf की वेबसाइट है, यहाँ पे आप फ्री बना सकते हैं अपना सब डोमेन एक आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको होस्टिंग टेम्परेरी आपके उसमें चीज़ें टेस्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इन्होंने साइन
लेफ्ट पे क्लिक किया था मेरे ख्याल है, या नीचे बल्कि वो आ रहा था यहाँ पे इन्होंने, मतलब मैं तो वैसे अभी अपने नाम से तो मुझे मुश्किल ही मिले। अब आगे उसके साइनअप को कर दिया प्रोसेस आपने, पेज के आगे चले गए ये फिल करें ना, आपको थोड़ा सा होल्ड होना पड़ेगा, ये मैं इनको साथ साथ बता रहा हूँ ना अपना, ये साइनअप करेंगे ना तो एक और हमारे पास जी आते भाई भी हैं, लेकिन आप ये सेशन आप देखें, इसके बाद में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग अपलोड भी कर दूँ। तो ये कह रहा है जी कि आमिर ये बंदा अवेलेबल है, अब मैं रजिस्टर नाउ पे करता हूँ। तो आपने वैसे अपलोड की हुई है किधर फाइल्स? हेलो जी, आपका नाम मुझे ज़रा बता दें। मैनाब आपका नाम है? अंदलीप। नाम रिपीट करेंगे अपना? अंदलीप सर। अंदलीप, अच्छा अंदलीप, आपने अपनी फाइल्स किधर अपलोड की हैं वैसे, HTML फाइल्स या किस जगह पे की हैं? मेरे मतलब है आपने किधर फाइल्स अपनी अपलोड की हैं वैसे, वेबसाइट जो आपने कोई बनाई हो, या जैसे जैसे मैंने अभी करनी हो तो मैं e-site.pk पे अपनी फाइल्स अपलोड की हुई है ना, कोई भी काम करना होता है इस पे करता हूँ, या mylands.pk पे करता हूँ फाइल्स अपलोड करता हूँ ना, अगर दुनिया में किसी को दिखाना है काम अपना या बताना है। अच्छा इस काम के लिए फिर ये वाली एक फ्री साइट है ना, जिस पे अभी मैं अभी आईडी तो खैर मैंने नहीं बनानी, लेकिन इसमें यही प्रोसेस है कि इसमें biz.nx पे आएँ और ये फ्री होस्टिंग प्लान इनका जो है ना ये आप चूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। तो फिर इनका वही सारा ये साइनअप का प्रोसेस जो है ये पूरा करें, तो फिर आपको ये आगे लॉगिन करने देते हैं, अपनी आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। सब डोमेन्स आप मेरे ख्याल है एक या दो रजिस्टर कर सकते हैं इस पर, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊँ, मैंने भी इस पर एक पुराने वक्तों में एक बनाई थी .biz.nf इस नाम से, ये साइड आपके पास देखें ये मैंने बनाई थी किसी पे ASAKPK.biz.nf, और इस पर साथ में ये डेटाबेस भी लिंक कर सकते हैं। एक मैंने डेटाबेस तो आजकल आप कहेंगे होती ही होती है, क्योंकि क्यूरी आपने करनी है रिजल्ट्स किधर स्टोर किए होंगे तो उसकी क्यूरी करेंगे ना। वो इसमें हम करेंगे नहीं, इसमें फिर आगे जब PHP आप करेंगे ना, या अगर PHP आपने नहीं भी करनी तो डेटाबेस तो आपको एक ना एक करनी पड़ती है। जैसे दिलीप जो है ये भी पाइथन में काम करती है, हमारे पास इधर हारून साहब हैं, दिलीप आवाज़ मेरी आ रही है? अच्छा हमारे पास ये हारून साहब हैं और ये भी पाइथन जी, ये भी पाइथन में काम कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है हारून? 15 साल के हैं, मेरे कज़न के बेटे हैं, तो ये इस पर काम अभी सीख रहे हैं कर रहे हैं साथ में, अभी ये थोड़ा सा यही फ्रंट एंड का काम सीखेंगे। जैसे आपका भी यही मकसद है कि फ्रंट एंड का काम थोड़ा सा आए तो फिर आप इसको पाइथन में इस्तेमाल करें, तो इनका भी अभी यही टारगेट है। तो आते भाई हैं ये भी पाइथन में कर रहे हैं काम हमारे साथ, एक और भाई हैं आते भाई, जी आपकी आईडी बन गई है ईमेल में, तो आपकी आई डी वगैरह बन चुकी है, इसलिए अब देख रहे हैं।
किया होगा, लैपटॉप में एक सेल होता है ना डेट टाइम, वो सेव करता है जो नहीं, इसका कुछ सेल वीक हो जाए ना लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क में शॉप पे लेके जाके करना पड़ेगा। अच्छा आईडी आपकी बन जाएगी, अब आगे उसमें लॉगिन करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ फाइल अपलोड करनी है। अच्छा आप मुझे लिंक, अंदलीप आप मुझे लिंक सेंड करें जो आपने जिस पे पढ़ा था और आप कह रहे हैं वो मसला आ रहा था, लिंक सेंड कर दीजिए यहाँ पे इसी के मैसेज में ना, जो गूगल मीट के मैसेज है ना इसमें ही, जैसे मैंने अभी मैसेज किया है यहाँ पे, मुझे लिंक सेंड कर दे, मैं उसको ओपन करता हूँ ना, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। पेजेस बनाते हैं हम तो इंग्लिश में बनाते हैं, तो ये हम अज्यूम करते हैं कि अगर नहीं पता तो ज़बान इसकी इंग्लिश ही होगी, तो मेंशन करने से ये फ़ायदा होता है कि एग्जैक्ट आपको पता लग जाता है कि ये जो आपने पेज पे काम जो किया है उसका जो आप डाटा डिस्प्ले कर रहे हैं उसकी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जब मैं उर्दू में कोई पेज बनाऊँगा तो उसमें मुझे यहाँ पर मैंशन करना चाहिए यू आर उर्दू के लिए, जैसे ये शार्ट कोड्स हैं ना इंग्लिश के लिए ई एन और उर्दू के लिए यू आर, और ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये आप बाकी जो टैग्स हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेंशन करने के लिए। तो इसका मकसद मेन बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे मैं कह रहा हूँ हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी पेज इंग्लिश में होगा, हम अज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसमें लिख के बताते हैं। देखिए हमारे जो पेजेस होते हैं इनको मुख्तलिफ जो सर्च इंजन हैं उनके टूल्स जो है ना हमें एक्सेस करते हैं, हमारे पेज को ब्राउज़ करते हैं, तो उसमें उनको भी पता लगता है कि ये पेज कौन सी ज़बान में है। इसका मेन मकसद यही है, जैसे मैं एक मिनट चेक करता हूँ शायद यहाँ पे मेंशन ये हुआ वो हो, मेरी बात आपको आ रही है? जी अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये एक मिनट चेक करता हूँ, मैंने ये उर्दू में इसमें पेज बनाया था ना तो शायद इसमें ये लैंग्वेज मेंशन इन्होंने किया हो। जी इसमें देखें यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको ये नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है टॉप पे ये कोड मैंने जो खोला है? हाँ जी मैं यही कह रहा था कि अगर आप ई साइट पे, अभी मैं मेन साइट पे अपनी आता हूँ, उसका अगर सोर्स देखूँ ना तो वहाँ पे ई एन लिखा हुआ आएगा,
या वो कहते हैं कि आप कंट्री कोड भी मेंशन कर सकते हैं ये कौन सी कंट्री की इंग्लिश आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये अमेरिका की कर रहे हैं आप, यहाँ पे यूके भी लिखा जा सकता है, इंग्लैंड की। तो ये जो मैंने एक साइट यहाँ पे उर्दू में बनाई थी टेस्टिंग के लिए ना, तो यहाँ पे इसमें लैंग्वेज मेंशन हो गया। तो ये इस तरह के टूल्स हैं ना, वो जब इसको एक्सेस करते हैं, ब्राउज़ करते हैं ना, तो हालांकि इसमें इंग्लिश की भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि पूरे पेज की ओवरऑल जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। लेकिन अभी मैंने इस पर और काम नहीं किया ना, इसमें और ये चीज़ें भी, प्रोडक्ट्स के नाम भी उर्दू में करने चाहिए थे। एक चीज़ का मैंने वैसे ये टेस्टिंग कर रहा था ना कि उर्दू में अगर किसी कस्टमर को वेबसाइट चाहिए हो, तो फिर इसलिए ये कर रहा था। सही हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आगे सारी उर्दू ही हो, लेकिन हम खुद मेंशन करते हैं ना जब HTML में, तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ सर्च इंजन आपके जब साइट को ब्राउज़ करते हैं, क्रॉल करते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन ये वो रीड करते हैं, क्योंकि कस्टमर तो कोई आपका कोड खोल के नहीं देखेगा ना, उसने तो पेज जो कंटेंट आ रहा है उसी को देखेगा। ये हम सर्च इंजन्स के लिए या और कोई टूल्स हैं जो आपकी साइट को ब्राउज़ करते हैं उनके लिए हम मेंशन करते हैं कि हमारे वेब साइट की लैंग्वेज या इस पेज की लैंग्वेज क्या है। सही है। लिंक सेंड करती हैं ये किस जगह पे, इसी पेज पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई आपको? है कि आप बता रहे हैं कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है ये किसी और साइट से लिया है, कोटेशन के तौर पे लिया है एज इट इज़। देखिए इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना, हम सर्च इंजन या मुख्तलिफ जो टूल्स हैं ना उनके लिए हम मेंशन करते हैं। क्योंकि हम लोग जो हैं, हमें तो ब्राउज़र HTML, CSS या जितनी भी चीज़ें ये है रेंडर करके दिखाता है, प्रोसेस करके दिखाता है, हमें कंटेंट नज़र आता है, कोड उसका नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन और जो टूल्स हैं उनको कोड नज़र आ रहा होता है और वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह चीज़ें खैर हमें नज़र भी आती हैं,
जैसे एक टाइटल का एट्रीब्यूट है, वो आपने इस्तेमाल किया टाइटल का एट्रीब्यूट, मेरे ख्याल आपने नहीं किया। मैं मसलन अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना, बस जगह पे ये होता है ना, आपके पास टेक्स्ट थोड़ा सा होता है, साल के तौर पे मैं ये सारे को लिखने के बजाय ना इस सारे का टाइटल के अंदर मैं एक पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा कर देता हूँ, जो ब्लॉक कोड के अंदर लिखा हुआ है ना इसको थोड़ा कर दिया है, और अभी मैं इसको सेव करता हूँ और जब एरो इसके ऊपर लेके जाता हूँ ना, आप देखें ये बाहर से एक नज़र आई है टूल टिप। तो ऐसे अगर आप पेज सिर्फ खोले ना तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब तक एरो इसके ऊपर लेके जाके थोड़ा सा रुकेंगे नहीं तब तक। तो सर्च इंजन को फ़ायदा हो सकता है इस तरह, जो ये एट्रीब्यूट है ना साइट का, इसमें उसको फ़ायदा हो सकता है। इसमें काफ़ी सारे टैग्स जो हैं वो सिर्फ गो थ्रू करने के लिए हैं, वो इतना उनको फ़ायदा नहीं है, या किसी किसी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक कीबोर्ड के लिए टैग है इस तरह, यहाँ पे शायद ये किसी और पेज पे है। अच्छा सर, ये जो टैग्स हैं ये ये वाले टैग वैसे ना पहले इस्तेमाल किए जाते थे, अभी तो वैसे इनको नहीं करना चाहिए, अभी तो आपको जो स्टाइल का काम है वो CSS में ही करना चाहिए। अच्छा एक मिनट आप होल्ड करें, हो गया आपका लॉग इन। एक मिनट, मैं इधर हारून भाई को एक मसला है, वो उनका साइट वो अपनी अपलोड उनका एक पेज करवाता हूँ अपलोड ना, जो मैंने अभी biz.nf साइट बनाई है ना इनके लिए, इनको बल्कि आपसे भी मैं कहता हूँ आप इस पर बनाएँ अपनी ID बनाएँ biz.nf पे। राइट पे आप खोलें, टैब खोलें, इसमें लिखें harun.biz.nf नहीं बल्कि सॉरी गलत बता दिया, वहाँ पे C1 था ना, आप C1.biz आपको जो एड्रेस उन्होंने दिया था वो यही था ना, जो आप जब आप बना रहे थे तब आपको जो एड्रेस एक दिया था उन्होंने वो यही था harun.c1, देखिए आप harun.c1.biz। दिलीप आप इस पे ID बनाएं biz.nf पे, इनकी फ्री जो सर्विस है ना फ्री डोमेन की, इस पे ID बनाएं। सर मैं बना रही हूँ। अच्छा उसमें nf बना रहे जो हम करेंगे ना इसमें फ्री जो डोमेन है ना वो करना है, दूसरा डोमेन नहीं करना क्योंकि वो पेड सर्विस में आता है, हम यहाँ पे फ्री। यहाँ पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन ये biz.nf करें, यहाँ पे अपना जो भी नाम चूज करना है वो करें और फिर रजिस्टर पे क्लिक करें और फिर अगले पेज पे जाएंगे ना, फिर वहाँ पे फिर आपको जरूरत पड़ेगी, फ्री प्लान जो है ना इनका वो चूज़ करना है, पेमेंट वगैरह इस पर कुछ भी नहीं करनी। सर वो कर लिया। तो वैसे तो डोमेन हमें चाहिए होता है, आपने एक सक्सेसफुल
वेबसाइट बनानी है, आपको अपना डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, तो अभी हम ना डोमेन नहीं ले रहे, हम सब डोमेन इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और होस्टिंग जो इन्हीं की जो फ्री होस्टिंग है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोशिश करें जितनी कम से कम चीज़ें लिखनी पड़ें, बाकी ऑप्शनल चीज़ों को ना वो ऐड ना करें, बस नीचे एक कंटिन्यू का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करें। अच्छा अभी आप ना वहाँ पे आएँ होस्टिंग वाले पे, ये बता नहीं हो रहा। अच्छा इसमें आप होस्टिंग टूल्स में आएँ, होस्टिंग टूल्स या फाइल मैनेजर में आएँ। भी हो सकता है नाम और HTML भी हो सकता है। अब अपलोड भी क्लिक करें, क्या मसला आया था जी? जब डोमेन इस पर आपने बनाया था अपना,
क्या मसला आया था? इन्होंने साइन अप सारा किया है, प्रोसेस हुआ है, लेकिन इनकी डोमेन अब नहीं चल रहा है। ये वाला प्रोसेस आप कर चुके हैं, यहाँ पे कंटिन्यू भी क्लिक किया था जब जी सर ये कर लिया। इसके बाद क्या फिर हुआ है सर? ये
अच्छा मुझे आप अपनी स्क्रीन शॉट शेयर करें, स्क्रीन शॉट नहीं बल्कि आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा अपनी, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं ना, स्क्रीन शेयर करें आप, लास्ट टाइम भी आपने की थी स्क्रीन शेयर। स्क्रीन आपकी जी, स्क्रीन अभी आपकी आ रही है जी सर। अच्छा अभी आप मुझे वो पेज दिखाएं, ये वाला पेज है। अच्छा वाला। अच्छा इसमें स्क्रॉल करें, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें पेज को, इसमें अब यहाँ पे ये जो न्यू क्लाइंट आता है उसको पिक करना है। यहाँ पे पाकिस्तान की ऑप्शन नहीं आ रही थी कंट्री, ये फिर कोई भी कंट्री कर दें। न्यू क्लाइंट किस जगह लिखा हुआ है उस पर जरा उस पर क्लिक करें, न्यू क्लाइंट किस जगह लिखा हुआ है। हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन तो फिल करनी है ना, देखें जिसमें जो जो इसमें रेड स्टेरिक जिन जिन फील्ड्स के साथ लगा हुआ है ये तो लाजमी फिल करने हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है ना, बाकियों में आप ना फिल करें। और बेशक डमी भी आप करना चाहें तो डमी भी कर सकते हैं। एड्रेस में आप कुछ भी फिर अभी डमी दे दें, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सही एड्रेस दें। स्क्रीन बंद कर दें आप अपनी, क्या मैसेज कोई आता है उस पर? तो वो चेक बॉक्स एक नीचे होगा उस पर आप टिक करें ना, उसको चेक बॉक्स को क्लिक करें। कुछ नहीं लिखना, जो स्टेरिक जिन रेड स्टेरिक लिखा हुआ है जिन फील्ड्स के साथ सिर्फ वो फिल करने हैं। शेयरिंग ऑन करें आप,
अभी आप लॉग इन करें ना, लॉग इन करें अपनी ईमेल में और फिर इस पेज पे जाएं। ईमेल में ना क्लाइंट आईडी और पासवर्ड आपने जो दिया है वो आपने देना होगा लॉगिन करने के लिए। कलर ले रहे हैं यहाँ से, मैं वो कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था उसमें लाइट का बैकग्राउंड जो है उसका लाइट का कलर मैंने कहा उसको सुखा दिया तो पहले तो कलर डाले। सही है, ये पसंद आता है वाली साइड का तो डाल दी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी आया था दोस्त होता था वो बहुत पैसे वन थाउजेंड डॉलर लेता था ग्राफिक डिजाइन में। अच्छा वो कलर उठाते थे बहुत बहुत मैटर यूज करते मैं कलर वो मुझे मतलब होता है एग्जैक्ट मेरी मर्जी का लेकिन एग्जैक्ट आया हुआ जैसे मैंने चाहे वो रहेगा। अच्छा ये जो आपने सर्च किया है ये पोस्ट मेथड से किया है या किस मेथड से किया है? पोस्ट से किया है। तो ये वैल्यूज़ भी जा रही हैं साथ, ये फील्ड्स हैं तो ये भी सबमिट जब करते होंगे तो ये भी वैल्यूज़ जाती होंगी, तभी तो ये सारा पासवर्ड भी जा रहा है। जैसे आपका पासवर्ड मैंने जो दिया है वो भी बता रहा 523 दिया है। इसका कोड मुझे ज़रा दिखाएं सर्च का। ये सबमिट है,
यहाँ से ये तो हुआ कि ये उसका इंसर्ट हुआ है, ये इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया इंसर्ट, ये वाली जगह ना। जगह एक है इसमें मेरा टाइम लगा है, दो जगह पर रखने में तो वो मुझे रिकॉर्डिंग आउट ना हो, तो अलग अलग फाइल बनानी ज़्यादा बेहतर नहीं थी? मुझे एक ही फाइल पर चाहिए था इस वक्त, मैं बार बार जाकर मुझे ये चीज़ चाहिए थी इसके ऊपर, अब उसे फ्रेम यूज करके फिर मुझे यहाँ लाना पड़ता, नहीं फ्रेम हो तो यहाँ आ रहा वो ब्रेक लिखा है, तो फिर आप जैसे रिकमेंड करेंगे। मैंने तो पिछले एक फाइल में कर दी, पहले अलग अलग किया जब आज बैठ के इकट्ठा कर दिया, वो आप वाली बात है अलग हो, यहाँ पे ये फ्रेम अलग फ्रेम हो ना, नहीं फ्रेम्स में तो खैर नहीं करना था, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरा मतलब ये मैंने बनाया, ये इसके बाद ये होता था, नहीं ये HTML क्लोज करने के बाद आपने क्या कोड लिखा है ये मुझे समझ नहीं आई, बस दोबारा से नीचे उसी प्रोग्रामिंग शुरू हो गया, नीचे नीचे जाएँ और वहाँ से बिठाओ गाड़ी जाए और ये देखें इस तरह तो नहीं होता ना, HTML का टैग तो ये एक दफ़ा इस्तेमाल होता है ना, HTML होता ही है ना कि ये बहुत सारे ब्राउज़र हमारे एरर्स को ना बाईपास कर देता है, ताकि आप सिर्फ एक फाइल बनाए HTML की उसमें ए बी सी लिखते हैं तो फिर भी चला रहेगा आपको, कोई आपने टैग नहीं लिखा, हेडिंग हेडर शेडर कुछ भी नहीं, इसमें देखिए आप अपना HTML डाल सकते हैं कि ऐसी ऑप्शन है, अपनी HTML डाल सकते हैं कुछ भाई, वो बेड पर क्लिक करें उसमें क्या चलते हैं बेड स्क्रीन शेयर करें सर, स्क्रीन शेयर ये मैंने उसको बंद नहीं किया था, अभी आ रही होगी आपको। अच्छा आप जाएं सब डोमेन्स पे क्लिक करें, बल्कि आपके पास भी यही मसला, हमारे पास भी एक मसला आ रहा है कि ये इसको नहीं कर रहा ना। अच्छा इधर जो ऑप्शन आ रही है क्रिएट ए फ्री डॉट सी वन डॉट बिज डोमेन, इस पे क्लिक करें, क्रिएट अ फ्री नीचे जी जी इसके नीचे जी, अब यहाँ पे अपना जो भी आप जी नाम आप वहाँ पे लिखें, जो भी आप डोमेन सब डोमेन बनाना चाहते हैं नाम लिखें, और फिर
फिर क्रिएट पे क्लिक करें। अच्छा आपका बन गया, अजीब बात है, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा देखिए उन्हें ऐसे चाहिए था पर वो भी। आपके पास देखिए नहीं हुआ है। अच्छा अभी आप ऐसे करें, नई टैब खोलें, इसमें जो आपने नाम लिखा है ना वही, एक नई टैब खोलें उसमें जो आपने अभी एड्रेस दिया है वो, क्या करूं? एक नई टैब खोलें, नई टैब खोलें और उसमें लिखें यही आपने जो नाम बनाया है ना andleep.c1.biz, ये लिखें। अभी वापस पिछली टैब में जाएं, पिछली टैब में आप किसी और ईमेल के साथ साइन अप करके करना ट्राई कुछ कर दे रही थी। अब यहाँ पे ऊपर जाएं मेन्यू में, वहाँ पे एक आ रहा होगा फाइल मैनेजर आ रहा होगा, होस्टिंग टूल्स में आए, होस्टिंग टूल्स में, होस्टिंग होस्टिंग टूल्स में जी फाइल मैनेजर में जाएं। फाइल मैनेजर आ गया है। अच्छा अभी आप भी देखिए यहाँ पे ये पेज ओपन होगा ना, ये आप भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे ये होता है जो आप सब डोमेन बनाते हैं ना उसी नाम से एक फोल्डर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी है ये प्लाट, ये इसमें आप ये जो इस पर आप क्लिक करें, ये andleep.c1.biz वाला जो फोल्डर है इस पर डबल क्लिक करें। अभी आपके पास लोकल कोई HTML की फाइल आपने बना के रखी हुई है लोकल आपके कंप्यूटर पे HTML की? अच्छा फिर ऐसे करें अपलोड पे क्लिक करें, अपलोड के बटन पे, अपलोड का बटन है यहीं पे इस पेज ऊपर, इस पे क्लिक करें और वो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करें ब्राउज में ना, क्लिक करें ऊपर जी जी क्लिक कर लें जी इधर ही, और यहाँ पे फाइल अपनी ब्राउज़ करें जहाँ पे फाइल आपने जी सर्च कर लें जैसे भी। और अभी अपलोड भी क्लिक करें जी जी अपलोड कर दें। अच्छा अभी इसको कैंसिल कर दें, कैंसिल क्योंकि फाइल अपलोड हो गई है ना। अब वो नई टैब जो आपने खोली थी ना ऊपर आखिरी वाली टैब उस पर क्लिक करें, तो यहाँ पे biz.nf जो biz लिखा हुआ है ना उसके उसके आगे क्लिक करके ना स्लैश डालें, इसके आखिर में नहीं नहीं कैंसिल एस्केप दबाएं जी, इसके पहले क्लिक करें आखिर में जी, अब स्लैश डालें और वही फाइल का नाम यहाँ पे लिखें deepa.dot, मेरे ख्याल है इसी तरह HTML है, एंटर दबाएँ तो ये हो गया। ये अब आपको URL एक इंटरनेट पे मिल गया है, आपकी HTML फाइल जो आपने लोकल बनाई थी वो नेट पे भी मौजूद है, या आप अपने किसी दोस्त क्लाइंट किसी को भी अपना आप काम दिखा सकती हैं जो आपका HTML CSS में बना हुआ है। ठीक है यही हारून साहब के लिए मैं कोशिश कर रहा था लेकिन इनकी ID नहीं बन रही जी। वर्डप्रेस जो है ना वो खुद भी सर्विस देता है ना, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है जी सर आ रही है। एक wordpress.com के नाम से साइट है, एक wordpress.org के नाम से है, जो ORG है वहाँ पे ये डेवलपमेंट करते हैं वर्डप्रेस की, आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। तो जो ये वाली wordpress.com है ना इस पर आप ID बनाएं और फिर आप इसको अपने ब्लॉग यहाँ पे रन कर सकती हैं फ्री। या फिर आप
गूगल की सर्विस है। अच्छा, wordpress.com पे बनाऊं? जी इधर आईडी बना लें, या फिर वर्डप्रेस की गूगल की एक सर्विस है हॉटस्पॉट, इस पे भी आप बना सकती हैं। मैं उसको भी खोल के आपको बता देता हूँ। ब्लॉग स्पॉट, सॉरी गलत बता रहा था नाम, मैं आपको ब्लॉग स्पॉट है, सही है। आपके पास है ना ऑप्शन जाने की? जी जी, मतलब मैंने कहा इंतजार वाला चक्कर तो नहीं है ना, बाबा का इंतजार करते हैं? नहीं। अच्छा, ये फिर ऐसे है कि आप एक तो ऐप इंस्टॉल कर लें, W3 स्कूल्स वाली ऐप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ऑफलाइन आप उसको पढ़ सकेंगे ना। तो हमारे यहाँ पे इस तरह बाकायदा क्लास नहीं है, जैसे बाकायदा होता है ना लेसन होते हैं, और वैसे नहीं है ये आप बात। यह कि हमारी कोशिश है कि जो भी सीखना चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आए, फिर हम प्रॉब्लम जैसे नहीं देखा, कुछ प्रॉब्लम्स के ये सोल्यूशन मुझे पता होते हैं, कुछ के नहीं पता होते, वो फिर उसी वक्त ही देख के हल करते हैं। ऐसे ही होते हैं, आप क्लाइंट्स का भी काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या और कोई प्रोजेक्ट आपके पास है, फिर ऐसे ही होता है कि आप कुछ चीज़ों का सोल्यूशन तो आपके पास होता है, ठीक है, वो तो आप कोल्ड कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का सोल्यूशन आपके पास नहीं होता, फिर आप उसके लिए करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं, कोडिंग लिख के टेस्टिंग करते हैं, ये चीज़ हो रही है। जैसे अब इनको आते भाई को मैंने फिल्टर्स का जो बताया, तब वो ज़बानी गुलामी बात की है ना कि इस तरह ये हो सकता है, फिर असल में जो करनी है वो फिर आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैंने उनका कोड देखा है, मुझे लग रहा है हमें थोड़ा सा और तरीके से करना चाहिए। तो भाई अभी आप क्या कर रहे हैं? वैसे आपको जनरल मैं फ्लो बताता हूँ ना, जो पेज होता है ना, हम उसकी कोडिंग तो HTML की बॉडी में लिखते हैं, ठीक है, और वो डाल दी मैंने जो आपने कहा था ना, मैंने दो बोले डाल दिए। अच्छा, HTML एक ही वीडियो रखा। अच्छा, उसमें फिर हम करते ही हैं ना कि जब फॉर्म सबमिट होता है ना, वो उसी पेज पर आता है दोबारा, उसके पेज के टॉप पर ना हम सारी PHP की कोडिंग लिखते हैं, सबमिट करने के बाद की जो भी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे डेटाबेस सिक्योरिटी है, डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं कुछ भी, या सर्च ही है तो डेटा पे सिक्योरिटी होगी, तो वो हम पेज के बिल्कुल टॉप पे HTML का कोड लिख के करते हैं, ठीक है, या वैसे जिधर ज़रूरत हो उधर भी लिख के कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। जिधर डिस्प्ले कराना हो ना, वहाँ पे भी आप उससे पहले भी कोड लिख के ना कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ है जो आपको पेज को सारी जगह पर इस्तेमाल होनी है, तो फिर आप ये करते हैं उसको टॉप पे कर देते हैं, ताकि सारे पेज पे एक्सेसिबल, थोड़ा सा कि फ्लो का भी पता होता है कि जी सबमिट, मतलब हम पहली कंडीशन ये लगाते हैं कि जब सबमिट, अगर सबमिट हुआ रहा है बटन तो ये कोड चले, वरना चले, फिर जो था उसमें जो हमने वेरिएबल बनाया है वो नीचे सब जगह पे एक्सेसिबल, नीचे हम चेक भी कर लेते हैं कि इस सबमिट हुआ है,
आपको फिल्टर जो फिल्टर का कोड मतलब रिजल्ट आना चाहिए वो तब दिखाए, वरना वो एल्स में दिखाएंगे मोर रिकार्ड फॉर्म या मोर रिकार्ड फॉर्म मतलब एम्प्टी दिखाएगा भी वो जैसे वही नहीं। जैसे आपका ये वाला नीचे क्या है इस फील्ड का नाम है दोनों का सेम सेम तो नहीं है, इसका नाम क्या है, नाम जरा चेक किया नहीं, नाम नाम है इनका, इसके इनपुट का नाम क्या है, नाम में फिलहाल सेम क्लियर पर आईडी किया था, डबल किया सेम आईडी किया है। हां तो जब क्यूरी आप लगा रहे हैं वहां पे इधर आईडी कर दूंगा उसकी वैल्यू है ना, वैल्यू वैल्यू तो आप खाली रखें ना, ऊपर जाएं नहीं स्पोर्ट में ऊपर यहाँ पे क्यूरी आपके एसएल में लगी हुई है और ऊपर यहाँ पे एसएल में क्यूरी लगी हुई है। ठीक है ये आप सर्च कर रहे हैं और देखें यहाँ पे डाटा आप ज़ीरो आपने किया है, ये मेरा ये लगा हुआ है पोस्ट आ रहा है ना डाटा, ये तो ये यानी जो ये वेरिएबल है ना ये वाला इसको मैं डेट कर करके डाटा दूंगा इसकी वैल्यू काटा के दूंगा। इस तरह तो आपने और मुश्किल नहीं कर दिया है, इसके बजाय देखिए हमने ये लिखा होता ना पोस्ट ऑफ आईडी, वो ज़्यादा आसान था, पोस्ट ऑफ आईडी वहाँ पे लिखना ज़्यादा आसान था, इस तरह वो डाटा ऑफ ज़ीरो लिखना मैं समझ भी नहीं आ रही, फिर इसको देखना पड़ रहा है कि डाटा ऑफ ज़ीरो में है क्या। थोड़ा सा आपकी बात सही है लेकिन हमारे पास सेट बना हुआ तो ये क्या है उसमें तो बार बार इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप इसको इस लाइन को कमेंट करें, इस लाइन को कमेंट इसको ये कमेंट कर दें और इस पूरे फंक्शन को ना यहाँ से लेके इस फंक्शन तक ये कमेंट कर दें, ऊपर ऊपर ब्रैकेट देना फंक्शन, ये बॉडी है उसकी ये फंक्शन ये पूरी इसकी नहीं ऊपर फंक्शन वाली ये भी, अब यहाँ पर ये वाली आई डी है ना पोस्ट ऑफ आई डी ये कॉपी करें एंटर, इसको यहाँ पे अपना आ गए। ठीक है और ये जो सिंगल कोट है ना उसको बीच में से बेशक डाल दें। अच्छा अब उसका नाम डी डबल डी के साथ है तो भी नहीं, जो नीचे फील्ड है मैंने गोल हो गई ना, एक कह रहे हैं ना सिंगल आईडी के साथ है ऊपर वाले का डबल आईडी के साथ डबल नेम डबल डी उसको भी डबल डी। अब इसको सेव करें और रन करें, ये भी कर सकते हैं ना आप फिर ऊपर आतिफ के नाम से एक और फील्ड बनाएं, एक और फील्ड बनाएं पहले आतिफ के नाम से जी Thank you.
डॉलर पर मंथ, और फिर वो दूसरा लिख के ब्रैकेट में फिर वो डिस्काउंट भी लिखना है इतने परसेंट डिस्काउंट। नहीं अभी वापस जाएँ कोड में, कोड में वापस जाएँ, कोड में वापस जाएँ। अच्छा फील्ड आपने बनाई है इसी तरह फर्स्ट नेम ऊपर सारा बना हुआ है? नहीं नहीं किधर है दिखाएं, ये ये सारा लिखा हुआ है? नहीं नहीं फ्रंट ब्राउज़र में जाएं, ब्राउज़र दिखाएं, ब्राउज़र ब्राउज़र देखिए जिस तरह ये आपने आईडी के फिल्टर बनाया है ना, इधर एक और बनाएं। बहुत मैं बना ही लूँगा, मैं चाह रहा हूँ इसी एक से दो काम करने को। किस तरह एक दो यानी आप फिर आप ये करें ना, बुक करता हूँ या तो ये इनमें से किसी एक को फिल करें वो डाटा लेके आ जाए। उसकी एक बजे कोड में जाएं, अच्छा इसमें इसमें जो टैक्स होता है ना टैक्स आईडी को तो हम विदाउट कोटेशन दे सकते हैं, इसके बाहर सिंगल कोड आप डालते हैं बाहर 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 नहीं नहीं इधर इधर इक्वल के बाद जी इधर एंड पे भी डाल दें और ऊपरी लाइन को कमेंट कर दें। ऊपरी लाइन देखे जाया जा रही है क्योंकि वो वैसे ही नीचे वाली लाइन जब लिखेगी तो उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा डाटा, उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ आईडी नहीं चलेगी, अब सिर्फ नीचे वाला चलेगा नेम, ना नेम दें ठीक है, नेम से भी हो गया और आईडी से भी हो गया, लेकिन एक वक्त में अभी एक चल रहा है, क्यूरी होनी चाहिए कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए। काम कर रहे थे नहीं मैं ये कह रहा हूँ क्यूरी होनी चाहिए कंप्रीहेंसिव, हाँ जी उसमें हमें ये लगाना चाहिए। मैं आइडिया देता हूँ आपको कि ये आईडीडी ये नॉट एम्प्टी है तो ये क्यूरी यहाँ तक तो आप लिखे ना इधर तक लेयर तक, और जब लिखे ना नॉट एम्प्टी तो फिर आप ये लिख दें उसमें नॉट एम्प्टी में उसके साथ कंकेटिनेट कर दें इसी क्यूरी के साथ ये वाली चीज़ आईडी इक्वल टू दिस, और फिर नीचे कोर इफ लगाएं उसमें ये लिखें इफ़ ये पोस्ट ऑफ फर्स्ट नेम इज़ नॉट एम्प्टी, यानी फिल नहीं किया इसको, सॉरी गलत बता रहा हूँ, इनके फिल किया है नॉट एम्प्टी होगा वो फिर, तो तब फिर आगे उसी के साथ ये एंड लिखना है, इसके साथ एक एंड का होता है क्लॉज होती है एंड जिस तरह कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं ना इसकी सेम वैसे ही कंसेप्ट है, तो एंड लिख के और फिर यही चीज़ आप लिखते हैं फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस, लेकिन ये किस तरह के नॉट वो भी मस्ट हो जाए, ये भी मस्ट हो जाए, मुझे और केस से बात करना है कुछ भी हो। अच्छा फिर और लिखें, हाँ सही है क्योंकि मुझे और में चाहिए ना, मुझे सही है फिर आप और लिखें, क्योंकि अगर हम वो जो आप अलग लिखे थे उसमें एंड है और फिल्टर लगे हैं ना वो एंड किए थे ये भी हो ये भी हो ये भी हो, तो आर हो तो फिर वो सारी खोल देगा ना सारी, एंड ही चाहिए मुझे आर, मुझे मैं चाह रहा हूँ इसी के अंदर जो है वो मैं
इधर ही दूँ, एक ही जगह दूँ, तो वो यहीं से वो चेक करे कि क्या है, अगर वो इंटीजर है तो उसको कन्वर्ट टू इंटीजर करके जैसे होता है ना, बट ऑटो कन्वर्ट करता है ये। लेकिन अभी यहाँ पे भी बाई डिफॉल्ट जो मैंने उठाया ये बाई डिफॉल्ट ही इंटीजर है, लेकिन ये जो इनपुट ले रहा है मेरे से तो बाई डिफॉल्ट ही वो है ना, क्या नाम है, इंटीजर है, बाई डिफॉल्ट इनपुट दे रहा जी। नहीं, ये स्ट्रिंग के तौर पर ले रहा है और ये सेंड भी एज ए स्ट्रिंग होता है, लेकिन वहाँ पे ऑटो कन्वर्ट ये कर देता है। जब मैं ऐसा करता हूँ जी अमर भाई, इसको हम जिस तरह मैंने आपको बताया ना उस तरह ट्राई करें ना, जिस तरह बताया है, मतलब मकसद ये है कि फिल्टर के जितने ऊपर आपने फील्ड्स बनाए हुए हैं उनको जब सबमिट हो, सुने आइडिया ना, अच्छा फिर आप एक और काम कर सकते हैं, तो मैं मुझे समझ आ गया, आप चाह रहे हैं एक ही फील्ड हो और सबके अंदर वो सर्च करें, अब मुझे समझ आ गया, बस मुझे ये समझ नहीं आ रही थी पहले, अब जाएँ कोड में, अच्छा इसमें अब PHP का कोड जब सबमिट होता है, कोड PHP का कोड जब सबमिट होता है ऊपर है भाई, वो ऊपर है, जब सबमिट होता है तो वो फिर यहाँ पर आएगा ना, इससे भी ऊपर। अच्छा इसमें आप ये ऊपर लाइन कॉपी करें, इसको भी कमेंट कर दें, इस वाली को इसको कमेंट कर दें, ऊपर ही लाइन को कॉपी करें, ऊपर आप फुल कॉपी कर लें और नीचे इधर इससे इनके बाद जो है ना ऐड करें, इधर पेस्ट करें, इसको अनकमेंट करें। देखिए हमारे पास फील्ड अब एक ही है, इसका फील्ड का नाम थोड़ा सा जेनेरिक रखना चाहिए वरना ये कन्फ्यूजन पैदा होगी। अब इसके बाद स्पेस दें, इससे पहले ये वाली ख़त्म कर दें स्पेस, ये वाली आगे इससे पहले यहाँ इधर अब लिखें कैपिटल और, जो वहाँ पे आपने ऊपर लिखा था ना ये कॉपी कर लें, फर्स्ट नेम इक्वल टू ये कॉपी कर लें, और हम स्पेस ख़त्म कर दें और यहाँ पे ये IDD यही लिख दें, फर्स्ट नेम की IDD। अब सेव करें, अब रन करें, अब आप नाम देंगे यहाँ पे तो वो उस तरह सर्च कर देगा, दोबारा करें। अच्छा पढ़े क्या कह रहे हैं, पढ़े तो सही ना, यू हैव एन एरर। अच्छा मैं समझ गया, वापस जाएं, इसके गिर्द भी ना आप ये सिंगल कोड लगा दें, इसके नहीं इधर, ये इधर और उधर आगे यहाँ, अब सेव करें और रन करें। चले वो मैडम चले गई, हैं क्या हुआ, क्या कहता है, अभी फिर वापस जाएं उसमें, डेटाबेस में फील्ड उसका नाम यही है, फर्स्ट नेम ही है, मुझे बताएं डेटाबेस में जो फील्ड का नाम है वो यही है, फर्स्ट नेम तभी चल रहा है, पहले चला नहीं, फर्स्ट नेम चला उस पे इशू भी आ रहा है, इसके सेमी कॉलन में डाल दें, ये कोटेशन से पहले सेमी कॉलन डाल दें, एक कॉलन ले सर कॉलन, कॉलन कौन सा मिस था, क्या चीज़ मिस थी जी, एक लिस्ट पे मैंने इक्वल साइन की जगह माइनस लगा था मेरे से, अच्छा अच्छा वो जनाब मेरा कोई 6-6 घंटे 10 दिन खा गया, थोड़ा करके रोज देखता था उसमें मिलता नहीं था, अभी तो मैंने जी आप ऊपर आके बैठा हूँ और आधे घंटे में हो गए, ये चलिए कितने मिनट हो गए, हो गया सर 30 मिनट, पर अब तो लेट कर दिया है, पहले मैं मेरे 24 से मैंने रोज, आप क्या करें, ये मैं एक वीडियो का रोज नहीं 5 रुपये चार्ज हो गए, अच्छा नमाज पढ़ के आते हैं ना, ठीक है
ये हो गया। चलो फिर जाते हैं, वजू करना है नमाज के लिए या वजू है? चलो फिर काम अच्छा इसको मैं फिर बंद करूँ। अभी ऐसे एक थोड़ी सी एडवाइस मुझे जरूर दीजिएगा इसके बारे में, स्नैक्स स्टडी फ्रॉम ना थोड़ी सी मतलब समझ गए ना कि काफ़ी वैसा हो गया इसको थोड़ा सा ये हट के है ना समझ तो आता है कि क्या होता है। ये थोड़ा सा आपने मुझे कहते हैं ना पंजाबी छापड़ा देना है इसको ऐसे ही सस्पेंड करूँ या रिकॉर्डिंग भी साथ में हो रही है ये है ऑप्शन रिकॉर्डिंग या सेल्फ रिकॉर्डिंग किया ये स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए।